हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं लाइफ मंत्रा वाई वर्षा। तो फ्रेंड, आज है 29 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30। तो मैं यहां पे बना रही हूं छोले भटूरे। तो भटूरे के लिए मैंने पहले ही आटा लगा के रख दिया था और अभी मैं छोले बना रही हूँ। तो ये मैं ग्रेवी को पका रही हूँ। इसमें मैंने प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन सब कुछ डाल के इसको अच्छे से पका लिया है। और बस मैंने इसमें बॉईल किए हुए छोले डाल दिए। छोले को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। इसमें मैंने चाय की पत्ती का पानी और खड़े मसाले डाल के इनको बॉईल कर लिया था। बस इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डाल लिया, जितना पानी हमें चाहिए, और इसको 5-10 मिनट के लिए पका लिया। बस उसके बाद मैं भटूरे बना रही हूँ। तो ये सिक रहे हैं मेरे भटूरे और मैं सेकती जा रही हूँ, साथ ही साथ इन सबको देती जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल बटन को क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेली मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि गुन्नू को मुझे थेरेपी सेंटर लेके जाना होता है और घर में भी काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो इस वजह से सिर्फ कभी कभी बनाती हूँ जब मेरा मन होता है या फ्री होती हूँ। तो ये लीजिए, ये हो गए छोले भटूरे तैयार। सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया है। गुल्लू छोले भटूरे नहीं खाती है तो उसको मैंने सेरेलैक्स बना के खिला दिया है। और बीच बीच में मैं काम करती जा रही थी और मैंने कपड़े भी मशीन में धुलने के लिए लगा दिए थे। तो बस खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़ों को निकालने के लिए। ये लास्ट में रह गई थी ये बेडशीट, बाकी सारे कपड़े धुल गए हैं तो इनको भी मैं सूखने के लिए छत पर डाल देती हूँ। सर्दी के टाइम में नीचे धूप आती नहीं है तो छत पर ही जाना होता है। नीचे डालते हैं तो सूखते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैं इनको छत पर ही डाल देती हूँ। तो बस अभी मैं आ गई हूँ छत पे। बाकी सारे कपड़ों को मैं पहले ही सुखा गई थी, लास्ट में ये बेडशीट रह गई थी तो इनको भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। पहले जिन कपड़ों को मैं सुखा गई थी उनको मैं पलट देती हूँ ताकि दोनों साइड से अच्छे से सूख जाएं। वो मैंने पलट दिया और दिखाती हूँ हमारे घर के पास में ये है जंगल, और इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आई थिंक जंगल नहीं है, ये इनका घर है। तो काफ़ी बड़ा प्लॉट है इनका, तो ये पेड़ पौधे इन्होंने ऐसे लगाए हुए हैं। और बस ये है हमारी छत, इस पर पड़े हुए हैं ढेर सारे कपड़े। तो बस अभी चलते हैं नीचे, कपड़े वपड़े सुखा दिए हैं और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 4 बज गए। सो वैसे लगे लगे बहुत सारा काम हो गया था और बाकी का मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ लोग आ गए थे गांव से, तो चाय वाय बनाई उनके लिए और तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस इतना सा ही मैंने आज रिकॉर्ड किया है और देखते हैं शाम को कुछ रिकॉर्ड कर पाती हूँ या नहीं। तो अभी चलते हैं नीचे। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं ले आई हूँ और जो नहीं सूखे थे उनको मैंने नीचे पीछे की साइड सूखने के लिए डाल दिया है। और बस इनकी मैं तह लगा रही हूँ। ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड किया है, ना कोई रेसिपी रिकॉर्ड की है मैंने पूरी। छोले भटूरे की रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे गुन्नू खेल रही है और अभी मैं करने वाली हूँ खाने की तैयारी। तो देखिए, मैं आपको ना एक ये दिखाती हूँ मॉस्किटो नेट, जिसको कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। काफ़ी अच्छी है यार, सर्दियों में भी मच्छर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है। तो ये देखिए, ये ना इस तरह की कवर में आती है, तो इसमें पैक होके आती है और फिर ऊपर से इसके ऊपर पॉलीथीन लगी होती है। तो बस मैंने इनको बाहर निकाल लिया और इसको लगाना भी बहुत आसान होता है। ऐसे आप खोलिए और इसकी अंदर वाली साइड से इसको इस तरह से बाहर निकालते हुए
खोल लीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बहुत आसान होता है, आप अकेले ही इसको आसानी से लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई और ये आपके पूरे बेड पे अच्छे से आ जाती है। बस इसको बेड पे अच्छे से सेट कर दूंगी मैं। और देखिए साइडों में ना इस तरह से रबड़ दी होती हैं, जिनको कि आप गद्दे के नीचे फंसा देंगे तो ये कहीं पे भी नहीं जाने वाली इधर उधर। वैसे भी ये नहीं जाती है, आप इस तरह से हल्का सा इसको बस सेट कर दें तो नहीं जाती है, और रबड़ को अच्छे से लगा के सेट कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और इसमें अंदर जाने के लिए साइडों से इस तरह से इसमें ये चैन लगाई हुई हैं, तो ये कुछ इस तरह की दिखती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। इसकी दोनों साइड में दो दो चैन दी होती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आप इनको बाहर से ही खोल सकते हैं, अंदर की साइड से भी खोल सकते हैं। अंदर की साइड भी इस तरह से एक और चैन इसमें लगाई होती है, तो आप अंदर या बाहर दोनों साइड से इसको अच्छा आसानी से खोल सकते हैं। पता नहीं यार क्या क्या मैं बोल जाती हूँ। दिन के टाइम में आप इसको निकाल के रख दें, या फिर इस तरह से इसकी जो नेट है, जाली है, उसको ऊपर करके इस तरह से हैंग कर दें। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो इसमें हैंग करने के लिए ऊपर ये दिए होते हैं। और देखिए अंदर की साइड से ये कुछ इस तरह से दिखती है। अभी मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। तो पहले तो आप चारों साइडों से रबड़ को निकाल लें, जो हमने गद्दे में रबड़ को फंसाया था उसको निकाल देंगे। तो देखिए चारों साइडों से मैंने इसकी रबड़ को गद्दे से निकाल दिया है, और बस इसकी ये वाली जो साइड है इसको ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और बस इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बस इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ऐसे फोल्ड करके इसको रख देंगे। अगर आप इसको उसी बैग में रखना चाहते हैं जिसमें ये आई, तो इसके तीन फोल्ड होते हैं, वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये वाला आसान होता है। और जब आपको इसको लगाना हो तो ऐसे खोलिए और बस इसको लगा दीजिए। काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप को पसंद है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बस अभी मैं